कैसे हैं आप सभी। मैं शिल्पी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाली हूँ या देखने वाली हूँ वो वीडियो है फिल्मों में पंजाब की बदनामी, गोल्ड मेडलिस्ट भी पंजाब के बंदे सिखों पर फिल्म क्यों नहीं बना दे। तो चलिए फिर जानते हैं और देखते हैं इस वीडियो में। उससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको भी है सिखों के धर्म से प्यार और करते हैं आप लोग उनके इतिहास से प्यार तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, देन बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके मेरे चैनल पर जाके उनसे रिलेटेड कई वीडियोज हैं। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड ने हमेशा ही पंजाब का मजाक उड़ाया है। पहले इन्होंने उड़ता पंजाब नाम की एक फिल्म बनाई और इसमें पंजाब को नशे की दलदल दिखाया। अब इसके बाद फिर से इस साल इन्होंने पंजाब के ऊपर एक और फिल्म बना दी, लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान एक सिख किरदार कर रहे, तो उसका जहां पर असली सरदार और असली पंजाब का किरदार दिखाया जाता है उसका ये लोग बायकॉट करते हैं, और जहां पर पंजाब को ड्रग्स और नशा दिखाया जा रहा है उसके लिए ये उसका समर्थन कर रहे हैं। अच्छा। उसकी प्रमोशन के लिए वीडियोज बनाए जा रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। गुडलक जैरी जानवी कपूर की एक नई फिल्म है, 2-3 घंटे की फिल्म है, और इस फिल्म के अंदर इन्होंने पंजाब में होते ड्रग्स कारोबार को एक मुख्य धंधा दिखाया है। एक बिहार से परिवार आता है पंजाब में अपना जीवन शुरू करने के लिए, उनके पास पैसे की कमी, और वो पैसे की कमी ये लोग पंजाब में ड्रग्स बेचकर पूरी कर रहे हैं। इस प्रकार से ये पंजाब को बदनाम करने में लगे हुए हैं। बॉलीवुड ने या हमारे देश के उन मीडिया चैनल्स ने पंजाब की उस किसी भी खबर को नहीं दिखाया जहां पर पंजाब के नौजवान विदेश से जाकर गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं। इस बार हमारे देश में 4 नौजवान पंजाब के हैं जिन्होंने पंजाब देश के लिए गोल्ड मेडल दिखाना जरूरी नहीं समझते। उसके बाद दूसरी बड़ी बात यह है कि पंजाब के उन बंदी सिखों की रिहाई के लिए कोई भी बड़ा चैनल उस खबर को नहीं दिखा रहा। बंदी सिखों की रिहाई की खबर नहीं दिखाएंगे, लाल सिंह चड्ढा का बाइकाट करेंगे, जिन पंजाबियों ने गोल्ड मेडल जीते हैं उनको भी ये दिखाने से भाग रहे हैं। और पंजाब को बदनाम करने के लिए एक बड़े ही षड्यंत्र के तहत पंजाब को बदनाम करने के लिए, पंजाब के लोगों को बदनाम करने के लिए ये लोग इस फिल्म की प्रमोशन कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। बॉलीवुड को शर्म आनी चाहिए और हमारे उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो लोग बॉलीवुड का साथ देते हैं और बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं। चंद लफ्जों में ये समझ आया होगा कि किस प्रकार बॉलीवुड पंजाब को बदनाम करने में लगा हुआ है। बॉलीवुड को पंजाब में और कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती सिवाय ड्रग्स के, और दूसरी तरफ पंजाब के जो नौजवान हैं वो विदेश में जाके गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। वो नहीं दिख रहा है। पंजाब के लोग आम लोग बंदी सिखों की रिहाई की मांग संसद में उठा रहे हैं, तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे व्यक्ति पंजाबियों से किनारा करके निकलते जा रहे हैं। पंजाब के लोगों की सुनवाई कहीं पर नहीं है और बॉलीवुड पंजाब को बदनाम करने में लगा हुआ है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किसका साथ आपको देना है। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है यार। मतलब अगर मैं अगर पंजाब पर कोई निगेटिव चीज़ बनाऊंगी तो लोगों को जो थिंकिंग है उनको पंजाब की रियल चीज़ क्या है उसके बारे में किसी ने वीडियो बनाई नहीं, किसी ने फिल्म बनाई नहीं, तो लोगों को पता क्या होगा। लेकिन अगर बॉलीवुड इस तरह की कोई फिल्म बनाता है तो इससे क्या होता है, लोगों को जो माइंड होता है ना उसमें चीज़ बैठ जाती है। अरे सिख हैं वहाँ पर, भले उन्हें एक्चुअलिटी नहीं पता है एक्चुअल में वहाँ पर क्या है, बट वो लोग फिल्म के आधार पर बोलेंगे अरे हाँ मैंने देखा है वहाँ पर पंजाब की फिल्म में ना बहुत ड्रग्स दिखा रहे थे, वहाँ पर ऐसा होता है वहाँ वैसा होता है। तो इससे क्या हुआ, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं पंजाब के लिए, तो ये बहुत गलत चीज़ है मेरा ये मानना है। और फिर जब विदेशों से लोग गोल्ड मेडल लेके आए, आप उस चीज़ को क्यों नहीं दिखाते हो, उसकी भी एक मूवी बनाइए ना। हमारा पंजाब का इतिहास इतना महान है, इतना पावरफुल है, आप उस पर वीडियो नहीं बना रहे। पंजाब का इतना महान, इतना पावरफुल इतिहास है ना कि अगर आप सच में उस पर कोई वीडियो बनाएंगे तो वो लोगों को सच में जो सही नॉलेज है ना वो देगी। और अगर कोई फिल्म बन भी जाती है तो उस पर लोग क्या करते हैं, बैन लगा देते हैं। तो बहुत गलत चीज़ है ये। लेकिन आप कब तक सच छुपाओगे, आज नहीं तो कल वो सच आप सबके सामने आएगा। तो बहुत अच्छी थी ये वीडियो और बहुत अच्छी नॉलेज मिली, मतलब इस नॉलेज नहीं बहुत अच्छा उन्होंने एक फैक्ट वाली बात बताई। तो मिलती हूँ आपको फिर से किसी इसी तरीके की वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रहिए, घर पर रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।